जैसा मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये है होंडा की 200X। अब जो है एक्स क्यों लगाया जाता है, क्योंकि होंडा की जितनी भी ADVs आती हैं, जो कि आप 500X देख लें तो वो भी ADV है, तो एक्स वहाँ पे जो है लगाया जाता है, क्योंकि इसमें भी जो है वो एक्स फैक्टर है जो कि ये ADV से बनाती है। लेकिन होंडा का कहना है ये पूरी ADV नहीं है, लेकिन ये अर्बन ADV आप इसे कह सकते हो। तो क्या क्या इसमें खासियत है वो बात करते हैं इस वीडियो में। मैं हूँ प्रदीप सिंह और आप देख रहे हो इंजन ड्राइव। अब जो आपको मालूम होगा कि हॉर्नेट 2.0 जो है होंडा की पहले से अवेलेबल है, पिछले साल से जो है वो उन्होंने लॉन्च करी है और सेल्स में अवेलेबल है। उसी के ही बेस पे जो है होंडा ने बनाने का सोचा कि जो है इसे भी एक ADV जो है लुक दिया जा सके, ताकि जो अलग से सेगमेंट जो है ये एक क्रिएट किया जा सके, जहाँ पे जो है एक पार्ट टाइम ADV का काम जो है ये मोटरसाइकिल कर सके। तो उसी के ऊपर जो है ध्यान रखते हुए इन्होंने जो है इस जो है CB200X को जो है ये बनाया है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस है हॉर्नेट 2.0 से, सारी बातें करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो ये जो फेयरिंग है आपको जो है ये हाफ़ फेयरिंग में देखने को मिलेगी, जो कि ADVs जो है हमेशा से आपको हाफ़ फेयरिंग्स में आपको देखने को मिलती हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको लुक दिया गया है, जो कि काफ़ी एजी है, काफ़ी अच्छी आगे से आ रही है, देखने के मामले में तो बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही में जो है ये हॉर्नेट स्टाइल के जो है आपको LED हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे, और जो नीचे की तरफ आपको जो है ये बिगर ब्लॉक्स टायर देखने को मिलेगा, जिसका सेक्शन भी काफ़ी वाइड है। हालांकि आपको मालूम होगा कि हॉर्नेट पे बेस्ड है तो उतना ही साइज़ रखा गया है, वही जो है 270mm की जो है डिस्क ब्रेक आगे की तरफ दी गई, USD फॉक्स भी दिए गए हैं साथ ही में। और जब आप पीछे की तरफ थोड़ा सा आएंगे तो ये जो है आपको वाइज़र देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि हॉर्नेट जो है हमने ऑलरेडी टेस्ट करा था, जो कि उसकी टॉप स्पीड जो है 125 किलोमीटर के ऊपर की है पर आवर की, तो उसके ऊपर ध्यान रखते हो क्योंकि वो स्पीड भी काफ़ी है विंड ब्लास्ट, अच्छे खासे विंड ब्लास्ट के लिए, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे विंड स्क्रीन जो है दी गई है, जो कि डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप और पीछे आएंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो है नकल कार्ड दिए गए हैं, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड आपको ये इंडिकेटर मिलेंगे LED वाले। और यहाँ पर आपको पीछे की तरफ आएंगे जब आपको कंसोल देखने को मिलेगा, ये वैसे सिमिलर कंसोल है जो आपको हॉर्नेट 2.0 में देखने को मिलता था, वही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसकी प्लेसमेंट जो है थोड़ी सी ऊपर आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा पीछे आएंगे, जो टैंक है वैसे तो हॉर्नेट जैसा ही दिया गया है, लेकिन आप फेयरिंग के अटैच है तो आपको डेफिनेटली ये जो है साइड से जो है अच्छा खासा बिगर लुक देखने को मिलेगा, और ऊपर से जो हॉर्नेट में भी साइड विंग पे आपको होंडा देखने को मिलता था, यहाँ पर भी देखने को मिलेगा आपको। टैंक के ऊपर जो ग्राफिक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे और शार्प देखने को मिलने वाले हैं, जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन नीचे की तरफ आपको जो है इंजन प्रोटेक्शन भी मिलता है, लेकिन ये जो है हॉर्नेट से थोड़ा सा अलग देखने को मिलने वाला है। और पीछे आएंगे जो कि सीट्स हैं इसकी, वो भी आपको जो है रीडिज़ाइन देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो है इसे लंबे जो है टाइम पे चलाने के लिए बनाया गया है, बैक टू बैक चलाने के लिए बनाया गया है, तो उसकी वजह से जो सीट्स भी जो है कंफर्टेबल हो, तो वहाँ पर उस पर भी काम करा गया है। इनफैक्ट जो पिलियन सीट्स भी है उस पर भी काम करा गया है। इवन यहाँ पर भी आपको जो है वही जो है ऑन टैंक आपको जो है ये की नॉब मिलती है, और साथ ही में जब आप पीछे आएंगे टेल जो है सेक्शन पूरी की पूरी जो है हॉर्नेट 2.0 से ही मिलता जुलता है। लेकिन हाँ, नीचे की जरफ टायर्स देखेंगे वही 140 सेक्शन के टायर है, और वहाँ पर भी आपको ये बिगर ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे, जो कि ऑफ रोडिंग के लिए जो है काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। अब यहाँ पर भी जो है ऑल स्पेक्स जो है नीचे के सब कुछ सेम है, इसका वज़न जो है थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि लगभग 3 से 5 किलो के आसपास बड़ा है, और जो कि इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस है वही सेम रखी गई है जो कि हॉर्नेट 2.0 की है। लेकिन इसकी जो है सीटिंग ज्योमेट्री पे काम करा गया है, यानी कि सीटिंग पोजीशन पे काम करा गया है, उसके हैंडल बार भी थोड़े से राइज है इसके, और यहाँ पर जो है सीटिंग पोजीशन भी थोड़ा सा डिफरेंट है, वो जब हम रिव्यू करेंगे तब हम बता पाएंगे कि एक्चुअल में वो कैसा फील होगा जब आप इसे लंबे टूर पर लेके जाएंगे। लेकिन हाँ, इसका जो इंजन है वो काफ़ी अच्छा इंजन है, जो कि ऑलरेडी हमने हॉर्नेट 2.0 पे हमने जो है इसे एक्सपीरियंस कराया, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वो जरूर जाके देख लेना कि हमने उस पर प्रॉपर तरीके से बताया इसका कैसा इंजन है। इनफैक्ट
ये जो है वही 188 सीसी का इंजन है, जो कि ऑलमोस्ट जो है 17 हॉर्स पावर की पावर और लगभग जो है 16 लीटर मीटर का टॉर्क निकाल के देती है, जो कि इस सीसी के हिसाब से काफ़ी अच्छा फिगर है। और इनफैक्ट अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ देखेंगे, क्योंकि इसका वज़न जो है उतना ज़्यादा नहीं है, ये जो है 150 किलो के अंदर में आती है, तो उसके हिसाब से पावर टू वेट रेशियो भी इसका काफ़ी अच्छा चला जाता है। और इनफैक्ट लो एंड पंच तो इसका काफ़ी अच्छा रहता है, जितना हमने एक्सपीरियंस करा है, जब इसको करेंगे तो प्रॉपर बता पाएंगे। लेकिन हाँ, जो हमने जाना है कि लो एंड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, मिड रेंज भी अच्छा है, टॉप एंड थोड़ा सा लूज आउट होता है, लेकिन जो ADVs चलाते हैं उन्हें मालूम होता है कि लो एंड ज़रूर चाहिए होता है, क्योंकि लो एंड टॉर्क में ही आपको जो है ऑफ रोडिंग में हेल्प मिलती है। तो वही चीज़ें यहाँ पर आपको इस इंजन कैरेक्टरिस्टिक में देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं इस CB200X के अंदर। अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी वीडियो, प्लीज़ लाइक कर लेना, और ऊपर से बाइक भी अच्छी लगी हो प्लीज़ बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, अगर आपको कैसी लगी है बाइक, और जो भी डिटेल्स हो, कमेंट्स हो, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो CB200X पे, आपको कैसी लगी प्लीज़ मेंशन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस ड्राइव।